देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम या यूं कहें मिसाइल मैन, जिन्होंने न केवल देश को गौरवान्वित किया बल्कि आज की युवा पीढ़ी को ऐसे विचार भी दिए ताकि वो अपने लक्ष्य को स्थापित कर सके, उसको पूरा कर सके। तो चलिए चलते हैं लोगों के बीच और जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम उनके लिए क्या है और आज के दिन वो एपीजे अब्दुल कलाम को कैसे याद कर रहे हैं। उनके काफ़ी अच्छे विचार रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन थॉट्स को अच्छे से फॉलो कर सकूँ अपने जीवन में, अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। पता है आपको आज क्या है? आज क्या है? आई डोंट नो। मिसाइल मैन कौन सा था? एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ जी, ओके। He was a great man, made our country proud, and that's it. We shall all remember him on his death anniversary. That's it. Okay, missile man किसे कहते हैं? Missile man, who really don't know. APJ Abdul Kalam. Oh, okay. So आज उनकी death anniversary है. कुछ आप बोलना चाहेंगे उनके बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो यही कि भारत को आज जिस बुलंदियों पर पहुंचाया है तो उन्हीं को श्रेय दिया जाता है, और उनके जो थॉट्स रहे, जो विचार उनके रहे, युवाओं को काफ़ी प्रेरित करते हैं। मैम स्टिल यही आई वुड बी से कि उसको आगे हम कंस्ट्रेन करें, आगे यू नो बढ़ाएँ इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द लेवल। आई वुड बी से आई एग्री विथ हर बिकॉज उनने जो किया है हमारे देश के लिए दैट शुड स्टे फॉर एवर and we should continue following his steps. वैसे दोबारा कोई होना ही नहीं है, उससे सीखो कुछ सेकुलरिज्म कैसे होता है, कैसे मुसलमान कैसे बच्चों को प्यार करता था, कैसे करता था वो, ये तो हर हिंदुस्तानी को सीखना चाहिए। मल्ला का बेटा था वो, उसकी बहन ने अपनी जेवर बेच के उसको पढ़ाई कराई है, कितने ऊपर पहुँचा, इसरो का साइंटिस्ट था वो, मार्वेलस मैन। What else do you want to say? मिसाइल मैन किन्हें कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। आज पता है क्या है? No. आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कई उनके ऐसे विचार रहे हैं और जो भारत के प्रति उन्होंने योगदान दिया है साइंस को लेकर, तो कुछ हमारे अगर इंडिया में कोई भी स्पेस से रिलेटेड कोई भी हमारे हाँ लॉन्च हुआ है तो वो उन्हीं का योगदान है। डेवलपमेंट एरिया जितना इसरो वगैरह सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहा है, तो वी एज इंडियंस वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम एंड वील ऑलवेज रिमेंबर हिम इन वर्ड्स। इंडिया में स्पेस का जितना भी डेवलपमेंट है सब उनकी वजह से ही है। इंडिया आज इसरो बहुत आगे है आज, इवन हर उससे सभी से आगे, तो इसमें मोस्टली उनका ही, हमारा जितना भी है वो ही करते हैं। और कुछ नहीं, लाइक ही वॉज वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स हु एवरी वन नोज, लाइक ही हैज़ बीन दैट आइडियल हु एवरी वन फॉलोज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नेचर, हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचिंग एंड स्टूडेंट्स। एज फार एज एवरी वन नोज ही हैज़ बीन टीचिंग टिल लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ बिफोर वेन ही डाइड। सो हाँ, ही इज़ वन ऑफ द मैन आई वुड लाइक टू फॉलो ऑलवेज इन माई लाइफ। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास एक सबसे जो इम्पोर्टेंट इंस्पायरिंग एक थाट लगता था वो ये लगता था कि जो सपना जो है ना वो नहीं है जो हम रात में देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता, क्योंकि जो लोग सपना देखते हैं उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है और जो लोग सपना पूरा करते हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। तो एक वर्क हार्ड के लिए और एक आम आदमी किस तरह से हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना और किस तरह से मिसाइल मैन के रूप में जाना और एक आदर्श प्रेसिडेंट के रूप में हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देखते हैं। आपने मिसाइल मैन के बारे में कहा है, मैं ये मानता हूँ जो लोग मिसाइल मैन को जानते हैं वो 90% लोग होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही नाम रहा है मिसाइल मैन में, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, और उन्होंने अपने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। जबकि आज लोग, वो एक मुस्लिम थे, मुस्लिम के साथ में वो एक हिंदुस्तानी भी थे और अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी गुजरे हैं इस तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे देश के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है बहुत सारे लोग हैं, मगर आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम इतना बांट दिया है इन नेताओं ने, बस कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में, बहुत ज़्यादा कहीं मॉब लिंचिंग, क्या मॉब लिंचिंग है समझे। उन लोगों को याद करो जिन्होंने आज हमारे देश को कहाँ पहुँचा दिया। अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम नहीं होते तो जो आज हम दुनिया में बहुत बड़ी ताकत के साथ में उभरते हैं
वो नहीं हो पाते हैं, मगर नहीं ऐसा नहीं है, लोग बहुत गलत सोच है लोगों की। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलने बहुत कुछ है मैडम। अब्दुल कलाम जी को एक अनपढ़ आदमी भी जानता है, जो उनको इज्जत मिली है ना, वो मेरे ख्याल में इंडिया में किसी आदमी को नहीं मिली। लेकिन आज ये पॉलिटिशियन जितने भी हैं उनको बुलाकर अपने अपने राज चलाने के लिए, अपनी पार्टी को जीवित रखने के लिए और देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने अपने समय में जितने समय वो रहे कभी कोई किसी धर्म के नाम पर नहीं, किसी कुछ नहीं, अपने बच्चों को अपने देश के लिए उन्होंने इतना योगदान दिया कि बच्चों को आज भी याद है कि अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा था। उसी रास्ते पर चलकर गरीब बच्चा भी आज बहुत ऊँची ऊँचाई पर है। और पॉलिटिशियन ने देखिए, अपने पॉलिटिशियन ने क्या किया कि जब दूसरी बार कहा गया कि कलाम जी को फिर बनाया जाए तो बाइफरकेशन होगी, वही जो बनाने वाले थे उन्होंने उनको मना कर दिया। अब श्रीधर जी जिन्होंने मेट्रो के जन्मदाता हैं, आज वो कितने बढ़िया लोग वो विचार दे रहे हैं वहाँ पर बेंगलोर में साउथ में, लेकिन उनको भी राष्ट्रपति बनाने का जब समय आया तो उनको भी मना कर दिया। यहाँ तो एक सब बनावटी बातें होती। मैं चाहता हूँ कि आपकी बड़ी अच्छी ये सोच है, आज लोगों से पूछ रहे हैं तो 100% लोग तो चलो कुछ को नहीं पता होगा कि अब्दुल जी की क्या कहते थे, अपने रोटी रोजी खाते हैं उनको पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने देश में उन्होंने जो नाम कमाया राष्ट्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राधा कृष्ण जी के बाद, उनसे भी ज़्यादा नाम कमाया उन्होंने, और उन्होंने देश के लिए एक बड़ा अच्छा योगदान दिया कि हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले भारतीय हैं। उन्होंने गीता का पाठ पढ़ाया, उन्होंने कलाम पढ़ाया, उन्होंने सभी ग्रंथ के लिए उनका बड़ा अच्छा योगदान था। मैं चाहता हूँ ऐसे देश में अब अपने आदमी मिल जाएं। राष्ट्रपति क्या मोदी जी भी बड़े अच्छे हैं, तो मेरा तो ये है कि आज उनको श्रद्धांजलि दी जाए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो एपीजे अब्दुल कलाम भारत को उस ऊंचाई पर लेकर पहुंचे जिसको आज देश का हर एक नागरिक याद कर रहा है। भारत को आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत करना चाहते थे, जिसके लिए अपने जीवन में वो निरंतर इसके प्रयास करते रहे और अपने मरते दम तक इसको लेकर काम भी करते रहे। कैमरा पर्सन केसर सिंह के साथ मैं ऋतु बिष्ट, R9 TV दिल्ली।